नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे नियम का रिव्यू करने वाला हूं जो बहुत ही अजीबोगरीब है। तो सबसे पहले हम इस नियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सेक्टर 99 में स्थित सोसाइटी जिसका नाम है सुप्रीम टावर, यहां के AOA अपार्टमेंट्स ऑनर एसोसिएशन ने एक नियम बनाया। इस नियम के अनुसार बैचलर गेस्ट सोसाइटी में अगर नाइट स्टे करते हैं तो पहले AOA को इन्फॉर्म करना होगा, और यदि AOA ने मना कर दिया तो आप अपने बैचलर मेहमान को कह देंगे कि आपके घर में उनके रुकने की इजाज़त नहीं मिली। आपको अपने ही घर में किसी को रोकने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति लेनी होगी। और हाँ, हो सकता है कि आपका मेहमान सिर्फ मिलने आया था, बट अगर लेट हो गया इसलिए रुकना है आपके घर पर, तो क्या होगा? क्या AOA रात 12 बजे 2 बजे आपको परमिशन देने और इनकार करने के लिए अवेलेबल होगा? और इनका नियम वो भी बता देता हूँ, कॉमन एरिया में सिगरेट पीना भी मना है। जो वाहन सिर्फ खड़े रहते हैं उनका उपयोग नहीं होता है, उनको हटाया जाए। ड्रग्स पर पाबंदी लगे पूर्णतया से। अब हम इस न्यूज़ का रिव्यू करते हैं। फ्रेंड, कॉमन एरिया बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पर स्मोकिंग को प्रोहिबिटेड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लोग बैठे हैं या टहल रहे हैं, उस एरिया को ज़रूर स्मोकिंग करते वक्त अवॉइड करें, बट नियम बनाना अच्छा है, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। सोसाइटी में अनयूज वाहन खड़े रखना भी कोई समझदारी का काम नहीं है, उन्हें वहाँ से हटा देना ही सही है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं जो बिल्कुल ख़त्म हैं, वैलिडिटी ख़त्म है, पर खड़ी हैं। क्यों? क्या म्यूजियम में रखना है इनको? तो वहीं रखवा देना चाहिए, सोसाइटी में पार्किंग का स्पेस भी खाली हो जाएगा, और गाड़ी के ऑनर की ही भले ही ये पार्किंग क्यों ना हो, बट ये गलत है। सोसाइटी को साफ सुथरा रखने में वहाँ के रेजिडेंट्स का नैतिक दायित्व बनता है, उसका पालन करना चाहिए। ये नियम वाकई में बहुत अच्छा है, और ड्रग्स वाकई में बिल्कुल प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, ये अच्छी बात है ये सोचना, क्योंकि ये एक होता ना समाज के प्रति हमारा दायित्व, तो ये समाज के प्रति अच्छा दायित्व निभा रहे हैं। अब बात करते हैं बिल्कुल अलग नियम की। बैचलर गेस्ट को नाइट स्टे के लिए लेनी होगी AOA की परमिशन। ये बड़ा ही अटपटा सा नियम है, ये बिल्कुल गैर वाजिब है। किसी के घर पर कौन स्टे करेगा और कौन नहीं, ये AOA डिसाइड करेगी। और उससे भी बड़ी बात ये कि भेदभाव के बेस पर, मैरिड एंड अनमैरिड के बेस पर, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी और असंवैधानिक है। नियम है संविधान में, सब बराबर हैं, पर ये तो भेदभाव पैदा कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। बाद में सोसाइटी के AOA ने ये नियम को वापस ले लिया, ये सही है, बट ये नियम इन्होंने बनाया ही गलत। इसी तरह दिसंबर 2022 में एमरलैंड कोर्ट सोसाइटी ने भी अजीबोगरीब नियम बनाया, बैचलर टेनेंट नॉट अलाउड इन द सोसाइटी एज ए टेनेंट। बाद में इनको भी ये फैसला अपना वापस लेना पड़ा। हालांकि ये बैचलर टेनेंट वाला बोर्ड तो आपको हर सोसाइटी के गेट पर लगा दिख जाता है, और अगर नहीं दिखता है तो भी सोसाइटी के अंदर बैचलर टेनेंट को अलाउ नहीं करते हैं AOA या RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सवाल ये है कि क्या ये लीगल है? तो नहीं, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। आप भेदभाव नहीं रख सकते हैं किसी भी कम्युनिटी के लिए। ये भी एक कम्युनिटी है। statista.com के अकॉर्डिंग देश में 51% अनमैरिड पॉपुलेशन है, सर्वे है 2020 का, तो क्या इन लोगों को सोसाइटी में किराए पर रहने का हक नहीं है? और अगर यही बैचलर घर खरीद ले फिर क्या ये बैचलर नहीं रहेगा? ये नियम बिल्कुल गैर वाजिब है और गैर कानूनी है। जिन सोसाइटी में ये चल रहा है वो इसलिए क्योंकि कोई लैंडलॉर्ड, घर का मालिक या टेनेंट AOA को उसकी सीमाएं बताने वाला नहीं मिलता है। तब तक कोई बुराई का विरोध करना नहीं चाहता, तब तक ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बिना विरोध के तो आज़ादी भी नहीं मिली दोस्तों, ये क्यों भूल रहे हैं? फ्रेंड्स, कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है, समाज में जब भी बुराई दिखे उसका विरोध करें। मौन रहने से समस्याएं बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप पर किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।